हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग सी होने वाली है, जिसका नाम है तंदूरी चिकन लेग पीस इन ओवन एंड विदाउट ओवन। ये ओवन में भी बिल्कुल आसान है बनाना और गैस पर भी बहुत आसान है बनाना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने 4 चिकन के लेग पीस लिए हूँ, और जो कि 1 kg के बराबर है वेट में। और देखिए, मैं इसे नाइफ से कुछ इस तरह से ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर कट लगाऊंगी। आपको इसे दोनों साइड से कट्स लगाने हैं। कट्स इसलिए लगाने हैं ताकि जो हमारा मसाला रहे वो अंदर तक अच्छे से जा सके। तो अब मैंने सारे लेग पीस को अच्छे से कट्स लगा लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम अपना मैरिनेशन रेडी करते हैं। तो हम सारे लेग पीस को एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम उसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक। आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम डालेंगे 2 से 3 टीस्पून नींबू का रस, और फिर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। और अब हम अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देंगे। इन सबको हमें चिकन के ऊपर अच्छे से लगाना है, और कट्स के अंदर भी हमें इसे अच्छे से भरना है, और आपको दोनों साइड से इसे अच्छे से लगाना है। और अब हम इसे 2 hours के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। जितना टाइम आप मैरिनेट करेंगे उतना अच्छे से इसके अंदर टेस्ट आएगा और इसके अंदर अच्छे से मसाले घुसेंगे। तो अब मैंने यहाँ लिया है दही, 1 cup दही लिया है मैंने, और इसे मैं देखिए मलमल के कपड़े पर कुछ इस तरह से डाल रही हूँ। इसे हमें हंकर्ड बनाना है, इसलिए ये प्रोसेस जो है ये करना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे मलमल के कपड़े पर डालने के बाद हमें इसे बस ऐसे दबा दबा कर इसमें से पानी निकाल लेना है। और अब मैं इसे एक बाउल में रख रही हूँ। और अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, 2 से 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon हल्दी, 2 teaspoon कोरिएंडर, 1 teaspoon गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, और 1/2 teaspoon वाइट पेपर पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और मिला लेने के बाद हम इसमें अपना हंकर्ड इसमें डाल देंगे। इसे आराम आराम से आपको डालना है, और 2 से 3 टीस्पून दही के बाद आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना है, जो मैंने दिखाना भूल गई थी, और इसे मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से ये जब रेडी हो जाए तो हम अपना चिकन लेंगे और इसके अंदर ऐसे डुबोएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब हमें चिकन के ऊपर ये जो हमारा मिक्सचर है इसे अच्छी तरह से लगाना है। मेक श्योर आप कट्स के अंदर भी अच्छे तरह से भरे इसे, एक एक कर हम सब पर लगा लेंगे इसे। और फिर हम इसे मैरिनेट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, या फिर ओवरनाइट भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। तो मेरा ये देखिए 6 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से ऐसे मैरिनेट हो चुका है, और अब हम इसे ओवन के अंदर रख देंगे। तो जो ओवन की एक कांच की प्लेट होती है ना, उसके ऊपर जो ग्रिल स्टैंड रखते हैं वो लेंगे हम, और उसके ऊपर हम चिकन के लेग पीसेस रख देंगे। इसे अच्छी तरह से आपको अरेंज कर लेना है, और अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट्स के लिए ग्रिल करने के लिए रख देंगे। तो देखिए, ये मेरे ओवन में ग्रिल का ऑप्शन आ रहा है, और उस पर मैंने 25 मिनट्स के लिए इसे रख दिया है। तो जब तक ये ओवन में हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं इसे गैस पर भी कैसे बनाते हैं। तो हमें एक पैन लेना है और उसे गैस पर रख देना है, और उसमें हम डालेंगे 2 teaspoon ऑयल, और लेग पीस को हम फिर इसमें रख देंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो नॉर्मल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे स्लो फ्लेम पर आपको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे हम ढक कर पकाएंगे,
और अब साइड बाय साइड हमारा दोनों चल रहा है, तो अब हम ओवन वाला जो है जैसे हमारे 25 की देखिए कुछ 12.5 मिनट्स आधा होता है राइट। सो आपको मतलब जब इसका आधा टाइम आ जाए तो इसे उल्टा पलट देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वैसे आधे टाइम से पहले कर दी हूँ, और फिर पलटने के बाद हम इसे ओवन को फिर से शुरू कर देंगे। और देखिए अब हमें जो हमारा गैस वाला है उसे हमें पलट लेना है, तो देखिए कितना बढ़िया ग्रिल हो चुका है ये पिछले साइड से, और अब हमें इसे फिर से ग्रिल होने के लिए ढाक कर पकाने के लिए रख दें। और ये जो अब हमारा ओवन वाला था उस पर मैं ऐसे तेल लगा रही हूँ ब्रश की मदद से, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे जो चिकन तंदूरी लेग पीस है वो रेडी है, इसे हम ऑनियन और नींबू के साथ सर्व कर रहे हैं। तो देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कोई मेहमान आए तो इसे ज़रूर बनाएंगे, मेहमान तो बहुत खुश हो जाएंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये हार्ट शेप में बन गया है। और ये देखिए अब ये जो है मैं गैस वाला भी रख रही हूँ, इतना मस्त दिख रहा है। आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और नींबू और कांदे के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। और मैंने देखिए थोड़ा कोतमीर और पुदीना से इसे डेकोरेट कर लिया है, और क्योंकि मैंने दोनों वे से ट्राई की हूँ ओवन से भी और गैस से भी, तो टेस्ट में बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं आता है, दोनों भी एकदम लाजवाब लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आप ट्राई करेंगे तो हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पर भेजिए, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये बहुत अच्छे से ग्रिल हुआ है, देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, दिख रहा है बहुत टेंडर सॉफ्ट और बहुत लाजवाब है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।